हेलो एवरीवन, आप लोगों ने इससे पहले एस कर्व और मेथड ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम लोग का आता है जो यूनिट हाइडोग्राफ है, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिंथेटिक और इंस्टेंटेनियस। सिंथेटिक यूनिट हाइडोग्राफ और इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइडोग्राफ के बारे में पढ़ना है आपको आज। तो उससे पहले जान लेते हैं सिंथेटिक यूनिट हाइडोग्राफ होता क्या है। फर्स्टली हम लोग इसको पढ़ेंगे, बाद में इंस्टेंटेनियस पढ़ा जाएगा। तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अभी हमसे कहा जाए कि आप यूनिट हाइडोग्राफ प्लॉट करिए किसी हिल एरिया का, ठीक है। किसी आप लोग का जैसे कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं रिमोट लोकेशंस, वहाँ हम लोग उसका यूनिट हाइडोग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा सिंथेटिक यूनिट हाइडोग्राफ होता है, जो कि सिंडलर्स मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें एम्पिरिकल इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में यूनिट हाइडोग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हैं, उस एरिया के लिए हमारा सिंथेटिक यूनिट हाइडोग्राफ प्लॉट किया जाता है। इसमें पूरी इंग्लिश आपकी यही लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं एक बार। टू डेवलप यूनिट हाइडोग्राफ, इन्फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल एंड फ्लड यूनिट हाइडोग्राफ नीडेड, इन दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। दीज डेटा अवेलेबल फॉर फ्यू लोकेशन, ये कुछ ही लोकेशन के लिए अवेलेबल होते हैं, जरूरी नहीं आपको सब जगह रेनफॉल और फ्लड हाइड्रोग्राफ की वैल्यू मिल जाए। बट एट रिमोट लोकेशन द डेटा वुड नॉर्मली बी स्केंटी, ये डेटा आपको रिमोट लोकेशन पे नहीं मिल पाते हैं कभी कभी। तो हम लोग उसके लिए विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल इक्वेशन। इस एम्पिरिकल इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सिंडलर्स मेथड से। अब क्या कहता है सिंडलर्स मेथड, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए सिंडलर्स मेथड क्या कह रहा है कि ये आपको दिख रहा होगा एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ये आपका क्या है टीबी है। इतने टाइम तक आपका बेस टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। बेस टाइम मतलब इतने टाइम तक आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ ही हो रहा है, इतने टाइम तक आपकी रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, डीआरएच हो रहा है इतने टाइम तक। ये क्या है पीक डिस्चार्ज, ये पॉइंट आपका क्या होगा मैक्सिमम पीक होगा। तो पीक से लेके यहाँ लोअर तक क्या होगा पीक डिस्चार्ज हो गया, ठीक। यू 75 का मतलब विड्थ ऑफ 75% पीक डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज का 75%। पीक का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम है उसका 75 यहाँ होगा, उस पर कितनी विड्थ है वो क्या है W75 है। और ये क्या है W50 का मतलब क्या है, पीक, पीक आपका ये है उसका 50% जब विड्थ हो जाएगी, समझ रहे हो, ये पीक है, पीक का 50%, पीक की विड्थ जब 50% आपका पीक हो जाए तो उस टाइम कितनी विड्थ होगी वो दिखाया जा रहा है। उस टाइम डिस्चार्ज कितना होगा 0.5 QP हो जाएगा। इस पर डिस्चार्ज प्लॉट किया गया, इधर टाइम प्लॉट किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका रेनफॉल एक्सेस दिखाया गया रहा है, यहाँ TR लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ TR है आपका, यहाँ TR आपका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, टाइम है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ टर्म जो समझने लायक है वो TP है। TP क्या होता है, इससे पहले भी हम लोगों ने लैग टाइम वगैरह पढ़ा है। TP क्या है, इसके जो सेंटर्स, इसके सेंटर कहाँ होगा, सेंटर कहाँ होगा जहाँ मैक्सिमम पीक होगा, मैक्सिमम पीक से इसके सेंटर, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है TP होती है। रेनफॉल एक्सेस और यूनिट हाइड्रोग्राफ के मैक्सिमम पीक से इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती है TP कहलाती है, ठीक है। तो हमारा TP यहाँ डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, TP इज़ द टाइम इंटरवल फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रेनफॉल एक्सेस टू द पीक ऑफ DRH, इज कॉल्ड बिग लैग, बेसिन लैग और लैग टाइम। बेसिन लैग या लैग टाइम इसी को कहते हैं, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब हमारा जो मेन काम है, मेन जो काम है हमारा, वो काम क्या है, काम क्या है, सिंडलर्स मेथड क्या कहता है, यही कहता है सिंडलर्स मेथड, उसको देखिए। टीपी जो होगा वो क्या होगा, CT इंटू L इंटू LCA की होल टू द पावर 0.3, ठीक है, यही कहता है आपका सिंडलर्स मेथड। और इस सिंडलर्स मेथड में हमारा ये जो L है, LCA क्या है, CT क्या है, वो सब जानते हैं क्या होता है,
क्योंकि इम्पेरिकल इक्वेशंस हैं, इन सब के बारे में स्टडी आप लोग को केवल इतना करना है कि इनके जो फार्मूला है वो एट द टाइम आपको याद रहें, बस इतनी ज़रूरत है। ये कहाँ से आए वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि इम्पेरिकल इक्वेशंस हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो फिलहाल देखते हैं सी टी क्या होता है। सी टी आपका क्या है, एक रीजनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रीजनल कॉन्स्टेंट है जो कि वाटर शेड स्लोप और स्टोरेज इफेक्ट पे डिपेंड करता है। सी टी की वैल्यू क्या होती है, 1.35 से 1.65 के बीच में वेरी करती है, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अगला एल क्या होता है, एल आपका बेसिंग लेंथ है। एल आपका क्या होता है, बेसिन लेंथ होता है, इसमें बेसिन लेंथ ऑफ वाटर क्रॉस फ्रॉम द बेसिन टू द डिवाइड। अब क्या करना है इसमें, देखिए एल क्या होगा, कोई अगर मान लीजिए क्या है, कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट एरिया है, बारिश होगी तो वाटर क्या होगा, इस क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू होता हुआ पानी आपका ऐसे मूव कर जाएगा, इस कैचमेंट एरिया से बाहर निकल जाएगा। तो इस स्टेशन को हम लोग कहते हैं गेजिंग स्टेशन, ठीक है, गेजिंग स्टेशन। और आपका ये क्या है, ये आपका बेसिन डिवाइड कहते हैं इसको, बेसिन डिवाइड लिखा हुआ है ना, बेसिन डिवाइड या रिज लाइन, बाहर वाली लाइन को हम लोग रिज लाइन कहते थे, यहाँ क्या है बेसिन डिवाइड, दोनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही नाम से याद रखना आपको। तो इसके आउटर से इनके गेजिंग स्टेशन तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एल कहते हैं। किसी भी कैचमेंट एरिया के आउटर, मतलब आउटर पोर्शन से इसके गेजिंग स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, बेसिन लेंथ कहते हैं, या कैपिटल एल कहा जाता है इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। एल सी ए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ मेन वाटर कोर्स फ्रॉम द गेजिंग स्टेशन टू ए पर्टिकुलर अपोजिट टू द वाटर सेट सेंट्रॉयड इन किलोग्राम, इसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, और वाटर सेट के सेंट्रॉयड से इसको मेजर किया जाता है गेजिंग स्टेशन तक। तो वाटर सेट कोई भी ये क्या है, कैचमेंट एरिया है, तो उसका कुछ ना कुछ सेंट्रॉयड होगा, उसका कुछ ना कुछ सेंट्रॉयड होगा ना, अगर कोई ये पर्टिकुलर पोर्सन है तो उसका सेंट्रॉयड कुछ ना कुछ होता ही है। तो इनके सेंट्रॉयड से लेकर, इनके सेंट्रॉयड से लेकर गेजिंग स्टेशन के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, एल सी ए कहते हैं उसको, गेजिंग स्टेशन और इस वाटर बॉडी के सेंट्रॉयड से, तो उसको एल सी ए कहा जाता है। आई होप ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सिलेंडर्स अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड ड्यूरेशन टी आर, टी आर अभी बात हुआ था ना, टी आर क्या है, टी आर ये है आपका, ठीक है, टी आर यहाँ लिखा हुआ है, किसी ड्यूरेशन टी आर के लिए ये आपका एक्सेस रन ऑफ हो रहा। सिलेंडर अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड ड्यूरेशन टी आर, आवर ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज गिवन, टी आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, टी पी अपॉन 5.5 होगी। टी पी क्या है, टी पी आपका क्या है, बेसिंग लैग या लैग टाइम होता है, टी पी आपका इसके सेंट्रॉयड से पीक और पीक डिस्चार्ज के बीच की डिस्टेंस टी पी होती है, टी आर हो गया, इन दोनों के बीच में सेंडलर्स ने एक रिलेशन दिया है, वो क्या होता है, टी आर इक्वल्स टू टी पी अपॉन 5.5, ठीक है। आगे चलते हैं, पीक डिस्चार्ज जो आपने अभी मैक्सिमम पीक लिखा है वो क्या होता है, ये पीक डिस्चार्ज, उसकी कितनी वैल्यू होती है, क्यू पी एस इक्वल्स टू 2.75 सी पी इंटू ए अपॉन टी पी। अब सी पी क्या है, सी पी आपका यहाँ सी टी है, ठीक है, ये भी रीजनल कॉन्स्टेंट है, और ये सी पी भी आपका एक रीजनल कॉन्स्टेंट है, इन दोनों में इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0.56 से आपका 0.69 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। और ए आपका क्या हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया, टी पी आपने अभी पढ़ा है कि बेस टाइम होता है, बेसिंग लैग या लैग टाइम हो गया, ठीक है। क्यू पी एस यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लोग को टी आर निकाल सकते हैं। और आगे क्या आता है, बेस टाइम, बेस टाइम अभी टी वी जो आप लोग पढ़ रहे हो, स्मॉल से ही दिखा लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बेस टाइम क्या था, देखिए ये आपका क्या है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यहाँ से ये इतना, ये पूरा क्या कहलाता है, बेस टाइम कहलाता है, टी बी कितने टाइम तक आपका ये डी आर एच हुआ है।
तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 72 प्लस 3 टी डैश पी। टी डैश पी अब नया टर्म आ गया, क्या होता है टी डैश पी, बेसिंग लैग इन आवर फॉर इफेक्टिव ड्यूरेशन टी आर। इस टी आर ड्यूरेशन के लिए, इफेक्टिव ड्यूरेशन के लिए बेसिंग लैग है ये टी डैश पी। और अगर टी डैश पी नहीं हुआ, आप लोग इस फार्मूले से देख सकते हो कि अगर टी डैश पी नहीं हुआ ठीक है, तब भी हमारा ये 72 आवर्स इसकी टीबी की वैल्यू होगी ही होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 72 आवर होगी ही होगी। ठीक है, बात किया जाए क्या टी डैश पी हम लोग कैसे निकालेंगे। टी डैश पी का सिंपल फार्मूला है क्या, 21/22 टी पी ठीक है, प्लस टी आर अपॉन 4। अब टी पी हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग को यहाँ से हम लोग फाइंड आउट निकाल सकते हैं। टी पी टी आर हमें पता है, टी पी पता है ठीक, टी आर और टी पी मालूम होगा, टी डैश पी निकालने, टी डैश पी पता होगा तो टी बी निकल जाएगा। तो टी बी आप लोग को बेस टाइम पता लग जाएगा कितना होगा बेस टाइम आपका। ठीक है, इसके बाद बात क्या होती है, इसके बाद देखते हैं क्या आपका जो W50 वगैरह आपने अभी जो लिखा था वो है क्या एक्चुअली, W50 या W75, ये विड्थ है कब, जब आपका 75% पीक आपका अचीव हो जाए। तो 50% जब अचीव होगा तो हमारा 50% पीक डिस्चार्ज जब अचीव हो जाएगा तो हम लोग का उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। W50 इक्वल्स टू 5.87 अपॉन Q, ये Q है, Q सॉरी ये Q Q टू द पावर 1.08 ठीक है, 5.87 अपॉन Q टू द पावर 1.08 ठीक। इससे हम लोग W50 निकाल लेंगे, और W50 मालूम चल गया, W75 कैसे निकालेंगे, W50 अपॉन 1.75 से इससे हमारा आपका W75 आ जाएगा। और यहाँ Q क्या है, Q आपका पीक डिस्चार्ज है आपका Q ठीक है, पर यूनिट कैचमेंट एरिया। Q की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, QP अपॉन A। QP क्या है आपका, QP आपने अभी पढ़ा ना, पीक डिस्चार्ज अपॉन कैचमेंट एरिया की जो विड्थ होगी वो होगी ठीक है। यहाँ से हम लोग 50% के लिए, 75% के लिए निकाल सकते हैं ठीक। तो आपके सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ में इतना ही था, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखा जाता है ठीक है। सिंथेटिक आपका हो गया है, इसके बाद इंस्टेंटेनियस देखते हैं क्या है। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, देख रहे होंगे आप लोग, IUH कहते हैं इसको। IUH देखिए, इंस्टेंटेनियस क्या कहता है, जैसे नाम से ही इसका क्लियर है, नाम से ही क्लियर है इसका। देखिए ये पर्टिकुलर एक केस है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। इस केस में क्या करना है आपको, अभी हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, जैसे देखा जाए कि हमने एस कर्व में पढ़ा था क्या, अलग अलग पर्टिकुलर टाइम के लिए, ये इस टाइम इस इतने ड्यूरेशन के लिए बारिश हो रही है तो हमारा इस तरह बनेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ, इतने ड्यूरेशन के लिए तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्या है, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग यूनिट हाइड्रोग्राफ बन रहा है ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ में यहाँ एक ही ड्यूरेशन के लिए आपके यूनिट हाइड्रोग्राफ अलग अलग बन रहे हैं ठीक है। इनमें क्या है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है ठीक है, जीरो ड्यूरेशन। इसमें क्या लिखा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ इंडिकेट जीरो ड्यूरेशन इज नोन एज IUH। IUH का मतलब इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ ठीक, समझ में आ गया शायद। इसका कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि यहाँ अभी इससे पहले हमने जो टेबल दिखाया उसमें क्या था, ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग आपके यूनिट हाइड्रोग्राफ बन रहे थे। यहाँ क्या है, अलग अलग बन रहे हैं लेकिन इनका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे होंगे आप, सबका सेम है। इनमें इनका इफेक्टिव रेनफॉल एक्सेस इतना है, इसमें इसके लिए इतना एक्सेस है, इसके लिए इतना है। जैसे देखिए ये वाला जो टेबल है उसके लिए रेनफॉल एक्सेस कितना है, यहाँ से ये इतना पॉइंट, पॉइंट ए आपका, ए आपका शो कर रहा है कि ERH इसका क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। अगला क्या है कि जो ये आपका पॉइंट बी है, बी आपका जो हाइड्रोग्राफ है उसका एक्सेस रेनफॉल कितना है, वो ये है ठीक है। सी का कितना है, सी का ये यहाँ जा रहा है, सी का एक्सेस रेनफॉल आपका ये है,
सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी शायद कि आई यूजेज का मतलब क्या होता है। इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक, बात आती है आगे, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसमें और कुछ नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा आपका क्या है सिंथेटिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन क्या कहता है कि ये आपका डिस्चार्ज है, ये आपका टाइम है। ठीक है, इनमें दो आपको एस कर्व देख रहे होंगे, ये एस कर्व वन है, ये एस कर्व क्या है, टू है। ठीक है, ये मिला कैसे हमको, ये एक आपका, ये आपका सॉरी, ठीक है, ये आपका क्या है, डी आर एच है किसी टाइम पर्टिकुलर टी पे, पर्टिकुलर टाइम टी पे आपका डी आर एच हो गया, ये आपका क्या है, इसके ऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब इनमें बात किया जाए कि ये दोनों जो कर्व हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, एस वन माइनस एस टू होगा। ठीक है, डेल्टा वाई आपका कितना होगा, एस वन माइनस एस टू होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनेट की बात किया जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डी टी आवर, तो उसके लिए ऑर्डिनेट ऑफ डी आर एच अपॉन रेनफॉल एक्सेस डेप्थ। रेनफॉल एक्सेस का मतलब इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसकी डेप्थ कितनी होगी, 1/d होगी। ठीक है, रेनफॉल एक्सेस 1/d होगी, और ये जो दूसरा वाला जो एस कर्व है वो लैग कितना कर रहा है, डी टी टाइम लैग कर रहा है इससे। ठीक, इनटू टाइम ये इतना एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब ये लैग हो रहा है उतना। अभी क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ डी आर एच आपका कितना है, एस वन माइनस एस टू है। ठीक, अपॉन 1/d रेनफॉल एक्सेस इंटू डी टी आपका लैग हो रहा है टाइम। तो अभी हमको इसको डी एस मान लेते हैं, एस वन माइनस एस टू को अगर डी एस मान लिया जाए, डी एस बाई टी इंटू डी हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए, हम लोग यहाँ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग यू टी से भी डिनोट करते हैं, तो अगर ऑर्डिनेट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात किया जाए ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज़ गिवन बाई यू टी से इसको डिनोट किया जाता है, तो यू टी का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी डी टी टेंस टू जीरो एस वन माइनस एस टू बाई टी, एस वन माइनस एस टू बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी, ये डी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके लिए, ये डी ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एस बाई डी टी इंटू डी कह सकते हैं, तो यही आपका यू टी का फार्मूला हो जाएगा, लिमिट डी टी टेंस टू जीरो डी एस अपॉन डी टी इंटू डी हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया किसके लिए। इसी फार्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, आई यू एच निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाला जाता है, इसी से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इनमें यही सारी चीज़ें थी, तो आज आपका हाइड्रोग्राफ ख़त्म हो गया, हाइड्रोग्राफ के सारे टाइप्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई अगर आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।